नमस्कार दोस्तों जय हिंद तो इस वीडियो में आपको जो है बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है अगर यदि दोस्तों आप यहाँ पर नौकरी के तलाश में हैं और बिल्कुल अपने ही शहर में आने की झारखंड के गिरिडीह ज़िला में जो है रोज़गार मेला लगने वाला है तो आपको अपने घर के पास अपने शहर में नौकरी मिलने वाली है यहाँ पर दोस्तों रोजगार मेला में जो है बहुत सारे अलग अलग कंपनियों में नियुक्तियाँ की जाएगी जो आठवीं पास से लेकर के अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वालों को यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे जैसे मान के चलिए आईटीआई हो गया मेडिकल हो गया या फिर किसी भी तरह की कंप्यूटर ऑपरेटर सेल्समैन फीटर सारी चीज़ों में यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है और इसके लिए आपको फ्रेशर के लिए भी लिए जाएंगे अगर यदि एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वालों को भी मौका दिया जाएगा उम्र सीमा भी यहाँ पे बहुत कम रखा गया है 19 वर्ष से 40 वर्ष तक का अगर यदि आपका उम्र है तो आप आराम से आइए इस रोजगार मेला में जो आपका लगने वाला है इक्कीस दिसंबर 2022 को तो फ्रेंड्स अगर यदि पूरा डिटेल में आप इसको इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं इसका पी के ऊपर जहाँ पर आपको सारी डिटेल में जानकारी मिलेंगी कि कब मेला लगेगा कितने बजे से लगेगा स्थान क्या रहेगा उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले कर के जाना है कितनी कंपनियाँ और कितनी सीटें वहाँ पर हैं ठीक है तो चलिए अब हम आपको ले कर के चलते हैं इसका ऑफिशियल है, है? तो जो नोटिफिकेशन आया है वहाँ पर चैनल को पहली बार अगर यदि दे आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलते रहते हैं आपको ठीक है तो फ्रेंड्स अब आप यहां पर आ गए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो नोटिफिकेशन निकल करके आया है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग जिला नियोजनालय गिरिडीह रोजगार मेला ये 2022 का कहां पर आयोजन किया जाएगा तो झंडा मैदान गिरिडीह में ये आयोजन किया जाएगा कितने तारीख को तो इक्कीस दिसंबर दो को सुबह दस बजे से ठीक है राज्य के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नियोजन का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला नियोजनालय गिरिडीह के तत्वाधान में झंडा मैदान गिरिडीह में दंतुपंत पंत ठेंगडी आने की रोजगार मेला रोजगार अंतर्गत जो है रोजगार मेला दिनांक इक्कीस बारह दो हज़ार बाईस को सुबह दस बजे से आयोजित किया जा रहा है रोजगार मेला में निम्नांकित नियोजकों ने अपने रिक्तियों के साथ उपस्थिति रहने की प्रदान अनुमति प्रदान सहमति प्रदान की है ठीक है अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पे देखिए तेरह चौदह यानी कि कुल जो है सताईस कंपनियाँ यहाँ पर आएंगी जिसमें आपको जो है इसमें जो है आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपके जो है एक तरह से कह सकते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें आपको सेलेक्ट किए जाएंगे पहला यहाँ पे देखिए हालांकि हम यहाँ पे सताइस कंपनी के बारे में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो है ना तो मोटा मोटी कुछ कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं जैसे मान के चलिए अतिबीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड उदनाबाद में ये इसका ऑफिस है गिरिडी का है इसमें ट्रेनिंग के लिए है और लेबर के लिए सीट है अलग अलग तरह के वैकेंसी पाँच तीन तीन चार दस यहाँ पे इस तरह से ठीक है यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है जो ट्रेनी है उनके लिए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी में यहाँ पे देखिए आईटीआई टी आई फीटर आई वेल्डर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन नॉन टेक्निकल समझ गए उम्र सीमा सब में रखा रखा गया है अठारह वर्ष से लेकर के बाईस वर्ष तक और इसमें जो है लेबर में 18 से 40 वर्ष रखा गया है इसमें सैलरी आपको देखिए 15,200 मैक्सिमम और 8,000 हज़ार यहाँ पे न्यूनतम सैलरी रखा गया तो अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग सैलरी दी जाएगी ठीक है उसी तरह से यहाँ पे सी एम रजगड़िया प्राइवेट लिमिटेड इसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियर और ऑपरेटर के लिए एक एक सीट है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए डिप्लोमा चाहिए और ऑपरेटर के लिए भी ऑपरेटर के लिए यहाँ पे ये जो है ठीक है तो एक्सपीरियंस यहाँ पर देखिए मांगा गया है दो से तीन साल का एक्सपीरियंस बीस से तीस वर्ष उम्र रखा गया है बारह हज़ार से इसका सैलरी स्टार्ट होगा आपका ठीक है उसी तरह से प्रदीप इलेक्ट्रिक जो गिरीडी बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है आप ग्रिडी के नज़दीक में होंगे तो आप इसके बारे में जानते होंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव में तीन सीट यहाँ पर खाली है मैट्रिक पास होना चाहिए दो साल का एक्सपीरियंस चाहिए उम्र अठारह से पैंतीस और सैलरी बारह से चौदह ठीक है उसी तरह से यहाँ पे देखिए बहुत सारा आप इसको क्या करिए आप पेज को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो स्क्रीनशॉट को आराम से पढ़िएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए दो नंबर से लेकर के दस नंबर तक का स्क्रीनशॉट आपके पास आ गया यहाँ पे ले लीजिए चलिए हम आपको थोड़ा सा समझ देती है ले लिए देखिए अगला यहाँ पर देखिए तेरह नंबर से लेकर के इक्कीस नंबर तक का आप स्क्रीन ले लीजिए ठीक है चलिए ले लिए देखिए आपको ये ये भी हम बता दें कि देखिए फ्रेशर के लिए बहुत सारी सीटें हैं देखिए यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर मांगा जा रहा है सीटों की संख्या देखिए एक सौ एक सौ दो सौ दो सौ जैसे यहाँ पे देखिए प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड हैदराबाद ट्रेनिंग में यहाँ पे दो सौ सीट है उसी तरह से इसमें भी दो सौ सीट है ठीक है नोएडा में है हरियाणा में है गुरगावा में है तो बहुत सारे अलग अलग शहरों में भी आपको यहाँ पर नौकरी मिलेंगी समझ गए उसी तरह से चलिए यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट ले लिये अब हम आपको बताते हैं कि इस मेला में आपको क्या लेके जाना है क्या क्या करना है तो रोजगार मेला में भाग लेने वाले नियोजकों एवं प्राप्त रिक्तियों की विस्तृत विवरणी संबंधित सूचना झारखंड सरकार की वेबसाइट जिसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है रोजगार डॉट झारखंड डॉट जी ओ वी डॉट इन एवं डब्लू डब्ल्यू डब्लू डॉट ग्री डॉट एन आई सी डॉट इन पर उपलब्ध है रोजगार मेला में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है किसी भी तरह से किसी भी न्योजनालय में आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए नहीं करवाएं तो करवा लें तो बहुत बढ़िया यदि वे पूर्व में निबंधित नहीं हैं तो रोजगार मेला में से पूर्व अपना निबंधन अपने स्थानीय नियोजनालय या फिर ऑनलाइन भी इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं ठीक है अभ्यर्थी सभी प्रमाण पत्रों के साथ मूल एवं फोटो कॉपी जो ओरिजिनल है और उसके बाद अपना एक एक या फिर दो तीन पेज अपना करा लीजिएगा जेरक्स ठीक है के साथ रोजगार मेला में उपस्थित होने का कष्ट करें शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे कि मार्कशीट वैकेशन सर्टिफिकेट आधार कार्ड बैंक पासबुक सभी प्रमाण पत्रों की प्रति तीन सेट न्योजनालय निबंधन कार्ड एवं तीन फोटो के साथ दिनांक इक्कीस बारह दो को सुबह के दस बजे से लेकर के यहाँ पे आपके आने की अंतिम समय तक बजे झंडा मैदान जो है गिरिडीह में आपका वहाँ पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें रिक्ति निजी क्षेत्र से संबंधित देख लीजिए रिक्ति यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी नहीं दिया जा रहा है प्राइवेट कंपनियों में जैसा कि आपने ऊपर देख लिया उसमें आपकी नियुक्ति की जाएगी इसलिए रिक्ति की शर्तों के लिए सीधे नियोजक उत्तरदायी हैं ठीक है विभाग एवं नियोजनालय मात्र सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं और रोजगार मेला में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का भत्ता दे नहीं होगा झारखंड सरकार के कोविड नाइन्टीन एस का पालन करना अनिवार्य होगा तो भैया यहाँ पे देखिए 18 बारह 2022 को ये नोटिफिकेशन निकला है और उम्मीद करते हैं कि आप इस रोज़गार मेला में जाइए अगर यदि आपको सच में नौकरी की तलाश है तो क्योंकि देखिए आजकल लॉकडाउन के बाद से जो है नौकरियाँ मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है लोगों के लिए और अगर यदि आपके अपने क्षेत्र में अपने गाँव अपने शहर में मिल जाए नौकरी तो ये सबसे बड़ा बात हो सकती है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद